नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्रिया टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको क्रिया टॉपिक पढ़ाया था, तो अब क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो हम क्रिया को पढ़ रहे थे, क्रिया के भेद पढ़ रहे थे, वो दो भेद कंप्लीट हो गए थे। समापन के आधार पर क्रिया को पढ़ लिया, उसके बाद में काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इनको सबको हमने पढ़ लिया था। देखिए, अब आता है रचना या प्रयोग के आधार पे, या तो रचना दे देता है या प्रयोग दे देगा, एग्जामिनर कुछ भी दे देगा। इसके आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो पूर्व में जो चार्ट बनाया गया था उसमें बिल्कुल आपको समझा दिया गया था। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पे या प्रयोग के आधार पे क्रिया का कौन सा भेद है और कौन सा नहीं है, कई बार तो एग्जाम में इन्हीं जो भेद है इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। देखिए, जो क्रिया के भेद है वो कुछ विद्वान 6 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, कुछ 9 मानते हैं, तो आपसे संख्या कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है वो है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया के आगे और दो उपभेद हो जाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी प्रकार नाम धातु क्रिया, सहजातीय क्रिया, सहायक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। अब ये होती कौन कौन सी है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सामान्य क्रिया किसको कहोगे, रचना या प्रयोग के आधार पर बात चलती है जब। देखिए, अगर किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है या क्रिया का सामान्य रूप का प्रयोग किया जा रहा है तो उसको क्या कहोगे, सामान्य क्रिया कहोगे। तो वो होती है सामान्य क्रिया। जैसे मैंने वाक्य में समझाने की कोशिश की है, राम रोता है, तो रोना क्या है, क्रिया होगी। तो एक ही क्रिया आ रही पूरे वाक्य में, तो यहाँ पे क्रिया का कौन सा, रचना के आधार पे कौन सा भेद हो गया, सामान्य क्रिया हो गया। इसी प्रकार राम खाना पकाता है, तो इसमें पकाता है क्रिया एक ही क्रिया आई है, इसलिए कौन सी होगी, सामान्य क्रिया। लेकिन दूसरी जो क्रिया है हमारी वो है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं, संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ना। तो ऐसी क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं का मिलकर एक क्रिया बन जाना क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो संयुक्त क्रिया है यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर अगर एक क्रिया की तरह काम करे तो वो होती है संयुक्त क्रिया। जैसे पूजा ने खाना बना लिया होगा, तो देखो बनाना भी क्रिया है, लेना भी क्रिया है, होगा भी क्रिया, ये तीन क्रिया मिलके एक ही काम कर रही है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। देखिए आगे, देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रियाओं की पहचान ये है कि एक ही समय में होने वाली क्रियाओं में जो पहले क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और पहले वाली क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर सो गया, देखो एक ही समय में दो हो रही है, राम पढ़कर सो गया, दोनों क्रियाएं एक ही समय में घटित हो रही है, लेकिन जो दोनों में से पहले कौन सी हुई है, पढ़कर, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है वो भी समझा देते हैं। यानी कि अगर किसी ध्वनि या दृश्य को देखकर जो क्रियाएं बनती है उनको क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे टनटनाना, चमचमाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, ये सारी क्या है, सारी अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। जैसे आसमान में तारे चमचमा रहे हैं, तो जो चमचमाना है वो कौन सी क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है। इसी प्रकार आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है, इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर काम करवाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान ये, इसमें आता और आना प्रत्यय जुड़ा होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान ये होती है, इसमें वाता और वाना प्रत्यय जुड़ा होता है। देखिए, अगर कभी आपको सामान्य क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं।
यानी कि जो सामान्य क्रिया है उसमें अगर आप आता या आना प्रत्यय जोड़ देते हो तब तो बन जाती है प्रथम परिणार्थक क्रिया, और किसी सामान्य क्रिया में आप वाता और वाना प्रत्यय जोड़ देते हो तो वो बन जाती है द्वितीय परिणार्थक क्रिया। जिस प्रकार देखिए, भागना एक सामान्य क्रिया है, भागना एक सामान्य क्रिया है, आप इसमें क्या जोड़ दो, आता जोड़ दो या आना जोड़ दो, जो जुड़े जो। देखिए तो इसमें क्या जुड़ रहा है, आना जुड़ रहा है, तो क्या बन गया, भगाना, और द्वितीय परिणार्थ में क्या जोड़ दो, वाना, भगवाना। इसी प्रकार पीना का पिलाना पिलवाना बन जाएगा। रोना एक सामान्य क्रिया है, अगर इसका प्रथम परिणार्थ क्रिया बनाओगे तो रुलाना, और द्वितीय परिणार्थ क्रिया बनाओगे तो रुलवाना। इसी प्रकार पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना हो जाएगा, चलना का चलाना चलवाना हो जाएगा। हंसना एक सामान्य क्रिया है, और इसका प्रथम परिणार्थक बनाओगे तो हंसाना, द्वितीय परिणार्थक बनाओगे तो हंसवाना। इसी प्रकार लिखता का क्या हो जाएगा, लिखाता और लिखवाता, और लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाना और लिखवाना। तो ये होगी आपकी परिणार्थक क्रियाएं। देखिए अब आती है नाम धातु क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनका निर्माण या तो संज्ञा से हुआ हो या सर्वनाम से हुआ हो या विशेषण से हुआ हो, उनको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए जो नाम धातु क्रियाओं का या तो संज्ञा से निर्माण होता है या सर्वनाम से होता है या विशेषण से होता है, इनके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे अपना एक सर्वनाम है और इससे अगर आप क्रिया बनाना चाहोगे तो क्या बनेगी क्रिया, अपनाना, क्या बनेगा, अपनाना। इसी प्रकार लालच से ललचाना क्रिया बन जाती है। ये सब क्या है, नाम धातु क्रियाएं। और नाम धातु क्रियाएं होती क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे अपना से अपनाना, लालच से ललचाना, श्रम से शर्माना, लाठी से लटियाना, बात से बतियाना, लाज से लजाना, लाज से लजाना, चमक से चमकाना, झूठ से झुठलाना। जैसे राम ने मुझे किसी बात के लिए झुठला दिया या राम ने उस काम के लिए मुझे झुठला दिया, तो झुठलाना जो क्रिया है वो कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। कौन सी है, अगर उसका निर्माण किससे हुआ है तो या तो संज्ञा से हुआ होगा या सर्वनाम से होगा या विशेषण से होगा। देखिए इसी प्रकार साठ का सटियाना, गर्म का गर्माना, हाथ का हथियाना, ये सब नाम धातु क्रियाएं बन रही इधर वाली। इसी प्रकार देखिए लात से क्या बनेगा, नाम धातु क्रिया लतियाना, गुस्सा से गुस्साना, फिल्म से फिल्माना, ठंडा से ठंडाना और रंग से रंगना। ये क्या बन गई, नाम धातु क्रियाएं बन गई। और जो पहले बताई थी आपको ये सामान्य क्रिया से प्रथम परिणार्थक कैसे बनाते हैं, द्वितीय परिणार्थक कैसे बनाते हैं, उनके बारे में समझाया था। अब आती है सहजातीय क्रिया किनको कहते हैं। देखिए ऐसी क्रियाएं अगर कोई वाक्य दे दिया और उस वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति की धातु से बनी हुई रहती है तो उनको क्या कहते हैं, सहजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने अच्छा खेल खेला, राम ने अच्छा खेल खेला, तो खेल क्या है इसमें, कर्म, और जो क्रिया है वो क्या, खेला। दोनों की मूल धातु क्या, खेल। अगर इनकी जो धातु क्या है एक ही जाति की है तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, सहजातीय क्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे भारत ने अनेक को लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाइयाँ और लड़ी एक ही इनकी मूल धातु तो एक ही है। इसी प्रकार आती है सहायक क्रिया। देखो सहायक का मतलब सहायता करती है, यानी कि किसी वाक्य में उस वाक्य जो मूल क्रिया है या उस वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता, देखो मुख्य क्रिया तो पढ़ता हो गया लेकिन इसको पढ़ता है, इस क्रिया को पूरा करने का काम कौन कर रहा है कर रहा है, तो है यहाँ पे हो जाएगी सहायक क्रिया और पढ़ता क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। अब आती है अपूर्ण क्रिया कौन सी होती है। अपूर्ण क्रिया वह होती है अगर किसी सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के अभाव में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे इसी वाक्य को ले लेता हूँ, राम है, तो ये वाक्य पूरा हुआ नहीं क्योंकि हमें मुख्य क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्रिया कौन सी हो जाती है, अपूर्ण क्रिया हो जाती है। ये थी हमारी रचना और प्रयोग के आधार पे क्रियाएं। अब नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें हम आपको कर्म के आधार पे क्रियाएं पढ़ाएंगे, और अगर कोई जो हमारे स्टूडेंट है अगर वो हमारे साथ इसी वीडियो में जुड़ा है
तो उससे प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो पहले हमारा पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख ले, उसके बाद में सेकंड वाला देखे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप देखिएगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।